और बड़ी खबर इसी बीच में जो आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। आपातकाल की बरसी पर अमित शाह का पोस्ट जो है वो भी सामने आया है। लोकतंत्र की हत्या करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, ये उन्होंने कहा। लोकतंत्र पर बार बार आघात कांग्रेस की ओर से किया जाता है। 1975 में लगाया आपातकाल, सबसे बड़ा उदाहरण है। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, न्यायालय तक के हाथ बांध दिए थे। उस वक्त संविधान में बदलाव किए गए थे। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन करने वालों को नमन है। अमित शाह की ओर से निशाना साधते हुए कांग्रेस पर ये तमाम बातें जो है वो कही गई। और ये देखिए, ये आप पोस्ट देख सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह का, जिसमें वो लिख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी। संविधान में बदलाव किए, न्यायालय तक के हाथ बांध दिए। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूं।